किसानों ने आवारा पशुओं को स्कूल में बनाया बंधक। मथुरा में आवारा पशुओं का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आवारा पशु के आतंक से आक्रोशित किसानों ने इलाके के आवारा पशुओं को लेकर गांव के प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया। अचानक आवारा पशुओं के प्राथमिक विद्यालय पहुंच जाने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्कूल की छुट्टी कर दी और बच्चों को अपने घर भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मथुरा के नौझील क्षेत्र के गांव भालई में आवारा पशु किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं। अपनी खून पसीने से सींची फसल को तबाह होने से बचाने के लिए किसान रात रात भर खेतों पर फेरा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आवारा पशुओं से अपनी फसल को नहीं बचा पा रहे। आक्रोशित किसानों ने आज आवारा पशुओं को इकट्ठा कर अपने ही गांव के प्राथमिक विद्यालय में ले गए, जहां बच्चे पढ़ रहे थे। आवारा पशुओं को देखकर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में अफरा तफरी मच गई। आवारा पशुओं के विद्यालय में आ जाने से विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्कूल की छुट्टी कर दी। जब हमने आक्रोशित किसान के साथ से बात की तो उन्होंने बताया कि भालई गांव में आवारा पशुओं का काफी आतंक है। आवारा पशु किसानों की फसल को बर्बाद कर देते हैं और आज हम आवारा पशुओं से परेशान होकर सारे पशुओं को प्राथमिक विद्यालय ले गए और विद्यालय में बंधक बना लिया। आवारा पशुओं को विद्यालय ले जाने का उन्होंने मुख्य कारण यह बताया कि आवारा पशुओं के विद्यालय में आ जाने से शायद प्रशासन की नींद खुल जाए और प्रशासन इनको गौशाला भेज दे, क्योंकि मथुरा प्रशासन से कई बार अपील करने के बाद भी अधिकारियों ने आवारा पशुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। भालई गांव के रहने वाले राजवीर नाम के किसान ने सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण किस योगी का वेरो कुछ कहना तुम योगी थे जे कहना कर गैया लोग कर ले इंतजाम होते और निवाला के भूखे मर जाएंगे और कछु मतलब बीमार है के मर गए और कछु देखो सर्दी आ रही है मां परई मां खेतों में अब हम ही मर जाएंगे तो वोट अगली साल देगो को भाई अगर वो चुनाव लड़े तो वोट को देगो। सही बात है। अच्छा और कछु आने का मर जाए भूखे तो घर जान रहे कि होगो का नहीं कही है चलेंगे ना भैया। सही बात है। अच्छा भाई हम एक बात और सब कहा दुनिया भर के परेशान है और ये काम मत करते हुए।